इस सार्क कंट्रीज में हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का एक खास मकाम है। साइज के हिसाब से अदरवाइज भी इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा हिंदुस्तान का रोल है उसके हिसाब से भी अगर वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये भी बताया गया कि जब होस्ट भी गायब था, इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं और हम पूरा अप्रिशिएट करते हैं कि जो आपने इश्यूज उठाए और उसका समाधान निकालने के लिए हम आपके साथ ऑर्गेनाइज अ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन विच वॉज वेरी हॉस्टाइल इन नेचर व्हेन अवर होम मिनिस्टर वॉज प्रेजेंट देयर विच वी कंडेम वेरी स्ट्रांगली इन द लाइट ऑफ दिस डेवलपमेंट अ रिव्यू ऑफ अवर एंगेजमेंट इट वुड बी कॉल्ड फॉर एंड व्हेन द SAARC समिट टेक्स प्लेस I hope that the government carefully considers the level of participation, particularly about the Prime Minister's participation, because we would not like a repeat of what has happened during the ministerial meeting on SAARC. माननीय गृह मंत्री जी से ये चाहूंगी कि आप माननीय प्रधानमंत्री से बात करके तो भारत पाकिस्तान के जो संबंध हैं तो उन संबंधों को लेकर जो अभी तक नीति बनी हुई है क्या इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा पुनर्विचार करेंगे। जिस तरह वहाँ प्रोटोकॉल से लेकर के हर चीज में पाकिस्तान का जो व्यवहार था उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और पूरा देश इस मामले में एक है। फॉर द लास्ट 18 इयर्स ऑफ तृणमूल कांग्रेस वी हैव ऑलवेज been firmly behind the government on international issues. It is no different today. We are completely on board and welcome this statement. जिस तरह टेररिज्म पर और अन्य मसलों पर माननीय गृहमंत्री जी ने अपनी बात वहाँ रखी वो प्रशंसनीय है, हम उसका समर्थन करते हैं और हिंदुस्तान की जनता चाहती भी यही है कि इतनी सख्ती से बात की जाए।